क्यों बेबी क्यों रोटी हो मेरे साथ? अनु अनु बोलो। भाई जो है वो वहां पर है, तो ये अभी यहाँ पर आए थे और यहाँ से अभी वापस। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस ना अभी ना लेट से ही शुरुआत हो रही है, क्योंकि अभी जो है टाइम ही 11 बज चुके हैं सुबह के। तो हमें और अनुराग जो है वो लेंटर पे आए थे, क्योंकि ना आज ना धूप बहुत क्लियर ही है और देखिए चारों साइड का मौसम कुछ इस तरह से हो रहा है। और आपको पता है मुझे हंसी किस बात की आ रही, जो अनुराग बेबी है ना उसको ना गुस्सा आ गया और इसने इतना बड़ा नाक बना लिया। मैं आपको दिखाती हूँ। अनु बोलो बच्ची, क्या हुआ? अनु बोलो, क्यों रोटे हो मेरे साथ? नोजू पे कैसी लगी थी? अनु अनु पुत्र बोलो, मेरे साथ क्यों रोटे हो? देखिए गाइस, अनुराग जो है वो यहाँ से भाग चुका है। मैंने इसको बहुत पूछा कि मेरे साथ क्यों रूठा है, बट वो भाग गया। तो गाइस देखिए, यहाँ पर हमने मिर्ची जो है सुखाने को रखी है और अनुराग देखिए कैसे दौड़ रहा है, मेरे साथ रूठ गया है। तो देखिए यहाँ पर मिर्ची सुखाने को रखी है और मक्की वहीं पर उतनी ही है। तो अभी का जो मौसम है कुछ इस तरह से हो रहा है। तो आज ना मौसम बिल्कुल साफ हो गया है। तो नीचे देखिए पहाड़ों के काम का जो है वो भी चल ही रहे हैं। देखिए लोग जो हैं वो नीचे मक्की काट रहे हैं और देखिए कहीं बहुत ज़्यादा लोगों ने मक्की जो है वो काट भी ली है और वहीं पर रख भी ली है, और कुछ लोगों को अभी मक्की जो है वो काटने ही के लिए है। तो पर आपको रोड भी दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए तो गाइस देखिए अभी ना बकरी बहुत ज़्यादा दूर से आई है दौड़ कर कैसी, और ये मारने के लिए भी आ रही है। तो गाइस अभी मैंने आपको बाहर का जो मौसम का वेदर का जो व्यू था वो भी मैंने आपको दिखा लिया। तो अभी मैं जाती हूँ अनुराग के पास। देखिए अनुराग जो है वो रुट कर ही चला गया है, तो मैं अब उसको मनाती हूँ। तो रुट के गया है तो गिर जाएगा कहीं ऐसे ही, तो मैं उसको मनाने जाती हूँ, ज़रा क्या बोलता है। सभी अब ठंडा हो चुका है लगभग, तो ये अभी दौड़ भी रहा है। देखिए अभी कितनी मस्ती में चल रहा है ये अनुराग। यहाँ पे देखो देखो, अभी भी गुस्सा हो? गुस्सा तो नहीं है, अभी मुस्कुरा भी रहा है बट बात नहीं कर रहा है। तो गाइस जो ये आपको दिखाई दे रहा है ना ये वाला पेड़, तो अभी इसे पत्ते निकालूंगी तो ना मेरी वीडियो बनाएगी दीदी। तो मैं जाती हूँ अब नीचे, तो मैं पत्ते लाती हूँ क्योंकि अनुराग बोल रहे हैं मैंने इन पत्तों के साथ खेलना है। तो मैं अभी चलती हूँ पत्ते लाने। गाइस अभी मैं पत्ते जो है वो तोड़ रही हूँ। तो गाइस अभी मैं अपने खेत में आ गई हूँ। तो अभी यहाँ पर भैया और भाभी जो हैं और मक्की काट रहे थे, और यहाँ पर देखिए ये जो बाड़ी है ये पूरी हमारी है वहाँ तक। तो यहाँ पर भैया भाभी ने पूरी मक्की काट ली है, देखिए ये वाली मक्की काटी है और यहाँ पर रखी है। और मैं आई हूँ यहाँ पर, जो घास आपको ये दिखाई दे रहा है ये काटा हुआ है और इकट्ठा ही करना है। आप तो मैं इसको इकट्ठा कर लेती हूँ, और मैंने इसको इकट्ठा भी कर लिया है और मैंने अपने लिए यहाँ पर बांध लिया है, तो मैं इसको उठाकर जाऊँगी घर। भाई जो है वो वहाँ पर हैं, तो ये अभी यहाँ पर आए थे और यहाँ से अभी वापस चले गए, और एक बार यहाँ पर भी हैं, ये अभी ही आए हैं। और देखिए अभी हमने मतलब भैया भाभी ने ये काट कर मक्की रख ली है पीछे, तो जब ये सूखेगी तो हम यहाँ से भी इसको ले लेंगे। और भाई मक्की चुन रहा है और ये मैंने घास उठाकर घर लेना है। और देखिए यहाँ पर कितना लंबा लंबा घास हो रहा है, और सामने का व्यू कुछ ऐसा हो रहा है। यहाँ पर नीचे नाला आ जाता है और यहाँ पर सिर्फ पेड़ ही पेड़ है। और भैया बोल रहे हैं कि मेरी हेल्प कर मक्की चुनने में, बट मैं हेल्प नहीं करूंगी। और यहाँ से देखिए हमारा छोटा सा प्यारा सा गांव भी दिख रहा है, तो यहाँ से भी दिख रहा है थोड़ा सा। और यहाँ से भी देखिए हमारा घर, मेरा जो घर है वो ऊपर यहाँ पर है। तो यहाँ से इतने ही ये छोटा सा गांव है, जो कि हमारा गांव छोटा सा ही है। और यहाँ पर देखिए पेड़ और
मक्की वगैरह सब कुछ बहुत ज्यादा लंबा लंबा बना है और इस साल घास ना बहुत ज्यादा लंबा बना है। देखिए चारों साइड का व्यू कुछ इस तरह से हो रहा है। तो गाइज अब मैं अपनी घास को उठाकर चलती हूँ। तो गाइज अभी ये जो घास मैंने उठा लिया है तो अब मैं चलती हूँ घर। जा जा घर में रोटी बनानी है अभी। तो गाइज अभी मैं आधे रास्ते में पहुंच चुकी हूँ और यहाँ पर मैंने रेस्ट किया है और देख सकते हैं आप मेरा वाला घास। तो मैं ना थक गई क्योंकि जहाँ पर मैं गई थी जिस खेत में मैं गई थी वहाँ से हमारे घर तक चढ़ाई है। तो अभी मैं यहाँ पर रेस्ट कर रही हूँ तो मैं थक गई थी इस कारण से मैं रेस्ट कर रही हूँ। तो पाँच में रेस्ट करते हैं फिर चलती हूँ मैं। यहाँ पर मैंने रेस्ट किया है, यहाँ का व्यू कुछ इस तरह का हो रहा है और अंधेरा भी होने को ही है अभी। तो यहाँ पर ये अखरोट देखिए कितना लंबा अखरोट है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको तो बहुत बार दिखाया है यहाँ का व्यू। तो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा पेड़ हैं और इस कारण से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड भी हो रही है अभी। तो फाइनली गाइज अभी मैं अपने घर में भी आ चुकी हूँ, आई मीन अपनी बाड़ी में, अपने घर से थोड़ा सा यहाँ। तो गाइज देखिए यहाँ पर मैंने घास भी रख दिया है। तो बहुत ज़्यादा थक गई मैं क्योंकि उतनी आदत तो नहीं हमें घास वगैरह उठाने की क्योंकि हम स्कूल ही होते हैं, मैं स्कूल ही होती हूँ, ज़्यादातर काम वगैरह मैं उतना करती भी नहीं हूँ और ना ही मुझे उतना आता है। तो गाइज आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे क्लोज। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।